नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं टेक न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इस समय अंबाड़ी रोड पर खड़े हैं। हमारे साथ में वसुविरार महानगर पालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। आज कुछ एक बड़ी कार्यवाही यहाँ पर हो रही है। इलीगल होल्डिंग्स हो या लीगल होल्डिंग्स हो, उनको निकाला जा रहा है। क्या विषय है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, काय करू, क्या कार्यवाही चल रहा है? आपण जे पोलीस निरीक्षक आहेत आपल्याकडे वसई विराज, त्यांनी आपल्याकडे एक लेटर दिलेलं होतं की रोड वाइडनिंग होतं आहे आपल्याकडे, रस्ता रुंदीकरण, त्यासाठी आपल्याला रोड मोकळा करून द्यायचा होता। त्या मोकळी करण्यासाठी आपण त्यांना महापालिकेतर्फे आयुक्त माननीय आयुक्तांचे आपल्याला आदेश होते की आपण हेल्प करावी त्यांना। त्या उद्देशाने माननीय अतिरिक्त आयुक्त यांचे आदेश, त्यांच्या आदेशान्वये मी जाहिरात विभागातर्फे सहाय्यक आयुक्त आणि माझी टीम आम्ही हे रोड वाइडिंगच्या कार्यवाहीमध्ये त्यांना मदत करत आहोत। एक्झॅक्टली कितना क्या मटेरियल जो है यहाँ से निकलेगा, कितना रोड इसमें वाइंडिंग में जाने वाला है, ते सर्व माहिती आपल्याला इंजिनियर देते महापालिका। आपकी कार्यवाही? माझी कार्यवाही ती की रस्त्यात असलेले जाहिरातीचे जे होल्डिंग आहेत ती जागा रिकामी करून देणे, ती कार्यवाही आज मी पार पडलेली आहे। पुढील आदेश आणि तो अभी जैसा मैडम ने जानकारी दी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त माननीय अनिल कुमार जी ने एक आदेश ऐसा निकाला हो कि वसई विरार के अंतर्गत जितनी भी गाड़ियां रोड पर खड़ी रहती है, बेवारस गाड़ी जिनका कोई वारिस नहीं है, उनको उठाया जाए। तो ये भी मुहिम एक बड़े पैमाने पर वसई विरार में इस समय चल रही है। अभी भी हमारे सामने यहाँ से आप वीडियो में विजुअल में देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियों को उठाया गया है और जहाँ पार्किंग लोग अलग अलग जगह पे गलत जगह पे पार्किंग कर देते हैं, उन गाड़ियों को सरकारी खाते में जाके जमा किया जा रहा है। अगर कोई वारसदार आएगा तो उसको वो गाड़ी फाइन भर के छोड़ दी जाएगी, लेकिन अगर कोई वारसदार नहीं आता है तो वो गाड़ी सरकार के अपने गोडाउन में जमा होती है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका भी एक ये मुहिम लेके चल रही है कि वसई विरार को स्वच्छ बनाया जाए और सुंदर बनाया जाए। और साथ ही आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे माणिकपुर पुलिस स्टेशन का काम भी इस समय काफ़ी जोरों शोरों में चल रहा है। आने वाले समय में माणिकपुर पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, ये उसी का काम है और वहीं से ये रोड भी निकलेगा। इस तरह से ये पूरा एक प्रोजेक्ट जो है अभी इस समय अंबाड़ी रोड, ये वसई का, अब हम वसई का नाक कहें तो भी कह सकते हैं कि वसई का मेन चौराहा है, यहाँ पर इस तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है। हमसे बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।